हाय गाइस, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये दुर्गा पूजा षष्ठी मेकअप लुक। ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है विद द प्रोडक्ट्स ₹100, यानी यहाँ पे मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सारे के सारे अंडर ₹100 हैं। और मुझे एक्चुअली बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दुर्गा पूजा आ रहा है और हमारा जो है वो बजट ज़्यादा नहीं है, बिकॉज हम टीनेजर हैं, हम बिगनर हैं और हमारा ज़्यादा बजट नहीं है। हमें मेकअप किट बताइए प्लस मेकअप लुक बताइए जो सिंपल हो, इजी हो और कम प्रोडक्ट्स के साथ हो जाता है। ऐसा मेकअप लुक आप हमारे साथ शेयर करिए जिसमें कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये टीनेजर बिगनर स्पेशल मेकअप लुक मैं आपके लिए आज लेकर आ गई हूँ। और जी हाँ, ये मेकअप किट की भी वीडियो है। सो इफ़ योर बजट इज़ अंडर ₹100, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। या आप कम प्रोडक्ट्स के साथ कैसे मेकअप करोगे, ये इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है। सो आई होप ये लुक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत रियलिस्टिक लग रहा होगा, बिल्कुल नेचुरल, सिंपल, एवरीडे वेयरेबल लग रहा होगा। सो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे मैंने यूज़ किया है और बाकी सारी बातें आगे हम इस वीडियो में करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं मेकअप। और सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। एज यू कैन सी, आज मैंने फेस वॉश बहुत पहले किया था, सुबह 7 बजे किया था। एंड राइट नाउ 11 बज रहा है, मैं शूट पे बैठी हूँ, 11:15। सो आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ऑयल है, बिकॉज मैंने खाना वाना सब बनाया है और पूरा मेरा स्किन जो है वो ऑयली सा हो रखा। अब आप इसी पे मेकअप करोगे आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। सो फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ वो होना चाहिए टोनिंग। एंड आप फेस वॉश भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैं इंस्टेंट बैटरी को शूट करने और मतलब मेकअप करने, तो मैं वेट वाइप्स लूँगी। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लिया है। नाउ मूविंग अहेड विद द मेकअप। सो मैं मेकअप स्टार्ट करने के पहले ही अपना लेंस वेयर करूँगी। और आज मैं सोच रही थी कि इंक्लूड कर देते हैं। सो मैं जो लेंस वेयर करती हूँ ना, मुझे बहुत क्वेश्चन आता है आप कौन सा लेंस वेयर करते हो, आप कौन सा लेंस। तो मैं फ्रेश लुक ब्रांड का लेंस वेयर करती हूँ। एंड आज जो मैं वेयर कर रही हूँ वो ब्लू कलर है, एंड लिंक मैं दे दूँगी। ये है BL का लेंस सॉल्यूशन वाटर। सो इससे मैं पहले लेंस को अपने पाम में लेती हूँ, बहुत जेंटली इसे मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ। तो बस ऐसे टक करके थोड़ा सा इधर देखना है, रख देना है, और ये अपने आप आइज बंद करोगे ना तो वो जगह पर बैठ जाएगा। अगर आपका लेंस ठीक से क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, तो आँखों में जलन, आँखों में दर्द, पानी निकलना, लाल होना होता है। तो जब भी आप केस यूज़ करो जो उसमें पहले से पानी है उसको फेंक दो और फिर आप इसमें से न्यू वाटर डालो और ऐसे फिंगर की हेल्प से वापस उसे क्लीन करो। आप फिर उसमें न्यू वाटर ऐसे फिल करके रख दो ताकि जब आप अपना लेंस को निकालोगे आफ्टर मेकअप तो आप इसमें साफ पानी रखो। तो थोड़ा सा मेरे आंखों से आज पानी निकल गया है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो दिखना चाहिए, नहीं तो ऐसे कभी रेड भी नहीं होता है मेरा। सो अभी मैं अप्लाई करूँगी मिस्ट के लिए ये डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर, ₹45 का है ये। और रोज़ वाटर मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, मुझे ऐसे मसाज करना पसंद है। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ उसके ड्राई होने के पहले, और मैं रिकमेंड करूँगी ये पॉन्ड्स सुपर लाइट पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र। और ये ₹40 तक का भी मिल जाता है, जितना मेरी स्किन को ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, दुर्गा पूजा आ रहा है, आप कोई अच्छा सा लुक बताओ। और मुझे DM आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ फॉलो करना। मुझे DM आ रहे थे कि हमारा बजट ज़्यादा नहीं है, ₹100 हम मैक्सिमम एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कम प्रोडक्ट से कैसे हम बहुत अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं, प्लीज़ हमें आप बताओ। प्राइमर के लिए मैंने ₹100 में इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर देखा जो कि पोर वाला है, इतना छोटू सा है, 10 ml। उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अब मेरे पास है नहीं तो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं मंगा लूँगी फॉर यू गाइज, ताकि मैं जब भी आगे कभी ₹100 वाला वीडियो करूँ तो मैं इंक्लूड कर पाऊँ। बट टिल देन आई हैव दिस सुनीसा का वाटर बेस्ड प्राइमर एंड आई हैव एलोवेरा जेल 2, ओके, एनी एलोवेरा जेल। सो मैं सुनीसा का यूज़ कर लेती हूँ, इट्स अ प्रॉपर हाइड्रेशन वाला। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि देखो प्राइमर आप कभी भी स्किप मत करना। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो।
तो आज जो मैं ये लुक कर रही हूँ ये षष्ठी मेकअप लुक है, यानी सिक्स्थ डे ऑफ दुर्गा पूजा। और यहीं से जो है घूमना हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो बहुत जब भी मैं दुर्गा पूजा वर्ड बोलती हूँ ना, मुझे अपने बचपन याद आ जाता है, जब हम लोग यू नो डैडी ऑफिस से आते थे और हमें दुर्गा पूजा यू नो घुमाने लेके जाते थे। फॉर द फाउंडेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हो यू शुड परचेज दिस एली 18 का फाउंडेशन, एंड माई शेड इज शेल। और ऑलवेज शेक योर बॉटल स्पेशली फाउंडेशन। सो जब भी मैं दुर्गा पूजा याद करती हूँ ना, जैसे ही दुर्गा पूजा आता है हमारी छुट्टियाँ शुरू हो जाती थी और मैं हमेशा बोलती थी डैडी हम लोग घूमने कब चलेंगे, तो डैडी कहते थे अभी तो पंचमी है, अभी तो यू नो अभी तो कुछ भी नहीं, पंडाल वंडाल जो होता है ना सजा नहीं होगा, और मैं इसे हाथों से ही ब्लेंड करी हूँ। वो कहते थे अभी तो पंडाल वंडाल डेकोरेट भी नहीं हुआ है, रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऑफिस जाते वक्त देख लेते थे और थोड़ा मार्केट में उनको पता चलता था। हमारी तो गर्मियों की छुट्टी रहती थी, हमें तो उतना नहीं पता होता था। सो ये फाउंडेशन आप स्लोली स्लोली बिल्ड कर सकते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड किया है, तो आप देख सकते हो अच्छी कवरेज मुझे मिल रही है। और बाकी जो भी बच जाता है आप उसे नेक पे इस तरह से अप्लाई कर लो। अच्छा अभी मैंने ये जो टेक्निक अभी आजकल अपना रही हो ना, ये ब्लेंडिंग और फाउंडेशन बहुत ईजी हो जाता है इससे। सो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले लेती हूँ और जस्ट मैं बहुत लाइटली इसे प्रेस कर रही हूँ। इतनी गर्मी, हम पैदल हॉपिंग करते थे पंडाल, और मैं बहुत बहुत पसीना होता था उस टाइम पे बहुत, और हम डिसाइड करते थे आज हम ये पहनेंगे कल हम ये पहनेंगे, बहुत मज़ा आता था। अभी तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो घूमी भी नहीं, बचपन में क्या दिमाग होता है, इतना तो थोड़ी ना होता है, पर बड़ी हुई तो अब कहाँ ही आ गई हूँ मैं। मेरा बहुत मन होता है कि मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे अपने कोलकाता आ जाऊँ, इन्जॉय करूँ दुर्गा पूजा, बट अभी टिया है बहुत छोटी, उसके साथ इतना घूमना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए। लेकिन कोशिश करूंगी कि अब से नेक्स्ट ईयर से जब भी दुर्गा पूजा हो तो स्पेशली मैं वहाँ पे 3-4-5 दिन के लिए ज़रूर जाऊँ। सो मैंने कंसीलर 125 रुपीज़ में, मुझे ऑनेस्टली कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था, मुझे स्विस ब्यूटी समझ में आ रहा था लेकिन मैं वो दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर मैं 200 का फिर हो जाता बजट हमारा, तो इसलिए मैंने सेम जो फाउंडेशन है उसे ही बाद में, देखो मैं अप्लाई कर रही हूँ, साथ में नहीं अप्लाई किया मैंने, बाद में अप्लाई किया। मतलब इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि ओवर ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ अप्लाई किया है ब्लेंड, क्योंकि बहुत अच्छे से हो जाता है। सो आफ्टर दिस आप चाहो तो इसके ऊपर अपना ब्यूटी ब्लेंडर हल्का हल्का डैप कर सकते हो, कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो बाकी फिंगर से हो जाएगा। अभी हम अपने फेस को सेट करने से पहले मैं हाईलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का क्रीम हाईलाइटर है। अब अगर मैंने ये नहीं लगाया और पाउडर से सेट कर लिया तो फिर मेरा बेस बहुत केकी हो जाएगा। सो मैं अभी से ही हाईलाइटिंग अप्लाई कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे बहुत पसंद है हाईलाइटर मैं वही लगा रही हूँ। और ये पिंक शेड वाला हाईलाइटर है, ये शायद 125 तक का आता है। बेस को बहुत लाइट रखना चाहती थी इसीलिए मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो बहुत ईजी हो ब्लेंड करने में और वर्क करना भी बहुत आसान हो। इसके बाद मैं फटाफट से अपना फेस को सेट करूंगी, विच इज़ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये 100 रुपीज़ में आराम से आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर सेल वगैरह रहती है तो मिल जाता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि कॉम्पैक्ट जो है वो एक शेड लाइट भी होना तो भी वो चल जाता है, बट अगर एक शेड डार्क हुआ तो वो चलना मुश्किल हो जाता है। फोरहेड पे थोड़ा स्वेट आ सकता है तो वहाँ पे कर लिया, ठीक है। बाकी आपको पता है पाउडर कितना ही हैवी होगा, पाउडर तो बहुत ही लाइट होता है। इसके बाद आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, जैसे ये वेगा का, जैसे ये ब्लश ब्रश है 100 तक में मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगी आपको। ये सिर्फ एक सिंगल ब्रश भी आपने लिया तो भी सही है, और इससे मैं अपने पूरे फेस पे सेट कर रही हूँ। बस कोशिश करो जहाँ आपने हाईलाइटिंग की है वहाँ तक आप मत जाओ, नहीं तो हाईलाइटर मैट हो जाएगा आपका। अभी हम फटाफट अपने आईब्रोज को फिल इन कर लेते हैं, और मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये आईब्रो प्रोडक्ट, 60 रुपीज़ का मिल जाता है। मेरी मम्मी बहुत यूज़ करती हैं इसको, अभी भी करती हैं, मैं जब से बड़ी हुई हूँ उनको यही यूज़ करते हुए मैंने देखा है। तो आप अगर देखो तो ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इंडियन के जो हेयर होते हैं वो लिटिल बिट ब्लैकिश ग्रेइश होते हैं। तो मैंने फिलिंग किया और लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी यूज़ करती हूँ ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा ही इफेक्ट लगता है इसका। अगर आपको लगता है कि नेचुरल नहीं लग रहा तो ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा इसके ऊपर आप ऐसे डैप कर दो, दैट्स इट, जो भी एक्सेस होगा वो प्रोडक्ट इस पे आ जाता है। अभी हम ब्लश अप्लाई करते हैं, और मेरे पास है ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश इन द शेड
504 और ये 125 का है, बट ये आराम से मिल जाता है आपको 100 तक में। सो ये जो है थोड़ा पिंकिश टाइप ऑफ कलर है, थोड़ा पिगमेंटेड भी है। सो एक ब्लश के लिए इट्स अ वेरी गुड शेड। सो मैं इसे राइट थोड़ा सा लिफ्टेड करके अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास आज हम कॉन्टोर वगैरह नहीं करेंगे। तो अगर आप कॉन्टोर नहीं कर रहे हो या करना पसंद नहीं करते हो, तो अपने ब्लश को आप थोड़ा सा लिफ्टेड करके लगाइए, जिससे आपका जो फेस है वो ऑटोमेटिकली लिफ्टेड ही दिखेगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करा करिए, सो दैट मैं ऐसे वीडियोस और भी आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। अभी मैं ये वाला, ये जो ब्लश ऑन है, इसे मैं फिंगर में ले रही हूँ और थोड़ा सा अपने लिड्स पर स्लोली स्लोली प्लेस करूँगी, क्योंकि आई शेडो ऑनेस्टली 100 रुपीज़ में बहुत अच्छा नहीं मिलता है, और ये बहुत अच्छा भी लगता है अगर आप ब्लश को एज आई शेडो लगाओ, एक मोनो टाइप ऑफ लुक क्रिएट हो जाता है। सो मैंने फिंगर की हेल्प से इसके ऊपर प्लेस किया है, हल्का सा पिंकिश जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ ओनली थिंग आई वॉन्ट। नाउ अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन थोड़ी डस्की है तो आप 505 शेड ले सकते हो, सेम जो ब्लश का ही है, और इसे आप एज अ हाईलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा गोल्डन टाइप ऑफ शीन है, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के। तो फेस्टिव सीजन में थोड़ा ग्लो तो बनता है, राइट? आपने अगर कोई भी आई मेकअप नहीं किया चलेगा, बस अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करके मस्कारा लगा लिया, आपका पूरा लुक जो है ना वो बहुत खूबसूरत टर्न आउट होगा, ट्रस्ट मी। और मेरे पास है मेबलिन का कलोसल काजल, मैंने एक्चुअली VLCC का भी काजल निकाल के रखा है, जो कि ये वाला है, दिख जा, हाँ। तो ये 55 का मिलता है, बट ये आप एवरीडे पर्पस पे यूज़ करोगे तो ये स्मज कर जाता है। ठीक है, एवरीडे के लिए मैं फिर भी आपको बोल सकती हूँ कि लगा लो, 2-3 घंटे बाद स्मज कर जाएगा, तो आप इस तरह से चीट लेना और थोड़ा सा ऐसे पोंछ लेना। बट जब आप फेस्टिवल के लिए रेडी होते हैं तो क्या आप ये रिस्क लोगे? नहीं लोगे। तो आप ऑब्वियसली मेबलिन ले सकते हो, लैक्मे ले सकते हो, एलिएटिन ले सकते हो, देयर आर सो मैनी जो कि अच्छे हैं, लोटस भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये मेबलिन का ले रही हूँ। ओके, सो हम काजल पे थे, और सॉरी मेरा पार्सल आ गया था, और हाँ, तो मेबलिन का काजल लिया है मैंने सिंपली बिल्कुल एकदम, और मैं इसे अपने अपर वाले वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और आउटर वी पे ही बस मैं अप्लाई करूँगी। अभी आप चाहो तो इसे स्मज भी कर सकते हो, हल्का सा इसे स्मज कर रही हूँ मैं, मिस्टेक हो गया, अच्छे से फ्लीक नहीं आया, जस्ट क्लीन इट विद दैट ब्लेंडर। तो देखा आपने, ब्लेंडिंग के लिए आप सोचते हो ना कि सिर्फ फिंगर से कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टूल्स की ज़रूरत होती है। मैं अप्लाई करूँगी आज ब्लू आईलाइनर, एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, बिकॉज मेरे ड्रेस में हल्का ब्लू है इसलिए ब्लू, और यहाँ से थोड़ा सा निकालूंगी। ओके, सो मैंने ब्लैक के ऊपर ब्लू नहीं लगाया, जितना देर मैंने कुछ नहीं लगाया था वहाँ पर मैंने किया है हल्का सा, बिल्कुल वेरी इजी एंड सिंपल, डू नॉट वरी अबाउट इट, बस प्रैक्टिस करिएगा। नाउ आई विल यूज ब्लू हेवन का मस्कारा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, 100 रुपीज़ में कोई भी मस्कारा मुझे नहीं समझ में आ रहा था, एक इनसाइड कॉस्मेटिक्स था और एक ये ब्लू हेवन था, मैंने ब्लू हेवन को चुना। ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आपको चाहिए तो आप लैशेज वेयर कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा उल्टा, ये अच्छे से लैशेज को कोट करता है, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। आइज़ कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम लाइक अच्छी वाली, एकदम शेप भी आ रही है, स्मजी लुक आ रहा है, कलर भी है, सब कुछ है। ये लगाऊंगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का V12 नंबर, इट्स अ वेरी 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 डार्क कलर। मैंने थोड़ा सा लिया और बाकी मैंने फिंगर की हेल्प से स्मज किया। नाउ मैं मेरे पास जैसे कि ब्लैक बिंदी नहीं है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरे पास ब्लैक आईलाइनर है वो मैं बिंदी के ऊपर लगा दूंगी, सो दैट ये ब्लैक हो जाए। अगेन अ हैक फॉर यू गाइज, कि अगर ब्लैक अगर आपको कलरफुल बिंदी चाहिए, आपके पास लिपस्टिक या आईलाइनर जो भी है, आप उससे इस तरीके से बिंदी को कलर कर लो, उसे थोड़ा सा ड्राई होने दो, तब आप उसे अप्लाई करना। जब तक वो ड्राई हो रहा है हम अपनी एक्सेसरीज वेयर करते हैं, एंड मेरे पास ये नोज़ पिन है जो कि ऑक्सीडाइज है, तो मैं आज ऑक्सीडाइज बहुत ज़्यादा वेयर करने का मन कर रहा है मेरा।
सी ये हैक तो बहुत अच्छा वर्क किया, बिल्कुल ब्लैक बिंदी बन गया है। अच्छा एक हैक और बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई नेक पीस है जो बहुत लंबा है एंड यू वांट टू मेक इट शॉर्ट, सो आप पीछे में इस तरह से रबर को लगा देना एंड ट्राई टू यूज़ यू नो वाइट कलर का रबर या बहुत ही पतला रबर कलर, आप थोड़ा ऐसा लेना जो दिखे नहीं। तो मैंने हेयर ओपन किया इस वजह से ये कवर हो गया है, बट या ओके गाइस, तो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ये मेकअप और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आईज़ पे अट्रैक्शन भी जा रही है, हमने कोई आई शेडो यूज़ भी नहीं किया, स्टिल मेरी आईज़ में एक शेप है और अट्रैक्शन भी है। लिप मैंने थोड़ा बोल्ड रखा है बिकॉज द मेकअप इज़ वेरी वेरी सटल। सो या गाइज, डू लेट मी नो आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और ये मेकअप किट भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मैं सुनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।